नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग को समझाने वाला हूं। तो इससे पहले मैंने एयर सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग को समझाया था, दो पार्ट में मैंने उसको समझाया था। फर्स्ट पार्ट में पावर एंड उसका मीटरिंग सर्किट को समझाया था, सेकेंड पार्ट में मैंने कंट्रोल सर्किट को समझाया था। तो सिमिलरली आज का वीडियो में मैं आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का पावर एंड कंट्रोल सर्किट के बारे में समझाने वाला हूँ। तो जब भी आप ड्राइंग का स्टडी करें तो सबसे पहले देख लीजिए कितना पेजेस का ड्राइंग है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपको कितना पेजेस का ड्राइंग है, ये आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो ये जो ड्राइंग है दोस्तों, उसका फर्स्ट पेज है, ये हो गया उसका सेकेंड पेज एंड ये है उसका थर्ड पेज। तो तीन पेज का ये ड्राइंग है। तो कहाँ से मालूम करेंगे कि कितना पेजेस का ड्राइंग है? यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, टोटल शीट थ्री, शीट नंबर थ्री, तीन पेजेस का ड्राइंग है और ये आप देख रहे हैं तो उसका थर्ड पेज। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले कितना पेजेस का ड्राइंग है आपको समझ लेना है। चलते हैं उसका फर्स्ट पेज की तरफ। तो फर्स्ट पेज में ही आपको मिल जाएगा उसका पावर सर्किट। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो पावर सर्किट है दोस्तों, यानी पावर सर्किट में आपको पता चलेगा कि सप्लाई कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। दोस्तों ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ये 6.6 केवी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो सप्लाई कहाँ से आएगा, ये है उसका पावर सर्किट, ठीक है दोस्तों। तो सप्लाई यहाँ से आएगा, इनकमिंग सप्लाई लिखा गया है। और उसका ये जो Q1 लिखा गया है दोस्तों, ये है सर्किट ब्रेकर, यानी ये जो VCB आप बोल रहे हैं, VCB का नाम यहाँ पे Q1 लिखा गया है। तो ये पार्ट हो गया उसका सर्किट ब्रेकर। और फिर ये कहाँ सप्लाई जाएगा, सप्लाई जाएगा बस बार में, जो पैनल का बस बार रहेगा वहाँ तक सप्लाई जाएगा। जब भी आप सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देंगे तो इनकमिंग साइड से सप्लाई बस बार में चला जाएगा और टोटल पैनल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखा गया है बस बार में क्या लिखा गया है, 6.6 केवी एंड 630 एम्पियर उसका जो रेटिंग है, ब्रेकर का रेटिंग है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे और भी कुछ इक्विपमेंट आपको दिखाई दे रहा है ड्राइंग में, तो क्या क्या है, तो ये देखिए दोस्तों उसका, ये है उसका सिट्टी, यानी सिट्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मीटरिंग के लिए, दूसरा वाला है प्रोटेक्शन के लिए। तो मीटरिंग के लिए जो सिट्टी जाएगा दोस्तों, वो कहाँ जाएगा, अगर अमीटर वहाँ पे यूज हुआ होगा तो अमीटर को जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये है उसका एनर्जी मीटर। तो यहाँ पे सिटी का सप्लाई आया है, तो एनर्जी मीटर में हमको चाहिए एक पीटी का सप्लाई, पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो मैंने SCB में आपको दिखाया था, इनकमिंग साइड से हम लोग डायरेक्ट एनर्जी मीटर में सप्लाई ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये 6.6 केवी है तो हमको पीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीटी का यूज करना पड़ेगा, पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो सप्लाई है 6.6 केवी है, ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो उसका सेकेंडरी पे हम 110 वोल्ट यहाँ से आया है दोस्तों, फ्रॉम एडजेसेंट पीटी पैनल, यानी एक दूसरा पीटी पैनल है वहाँ से ये सप्लाई आया है। तो और एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से सप्लाई गया टू एडजेसेंट पीटी पैनल और फिर उधर से पीटी पैनल से, यानी 6.6 के भी सप्लाई चला गया पीटी पैनल। पीटी पैनल में तीन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड 6.6 के भी, उसका सेकेंडरी साइड 110 वोल्ट AC। तो वो तीन सप्लाई यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आके ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये जो एनर्जी मीटर आप देख रहे हैं, एनर्जी मीटर में पिट्टी पैनल से सप्लाई आएगा, यहाँ से चला गया सिट्टी, यहाँ से सिट्टी से करंट चला गया और यहाँ से पिट्टी पैनल से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होके वोल्टेज आया। तो फिर एनर्जी मीटर में वोल्टेज एंड करंट आ गया दोस्तों। तो अभी आप सोच रहे होंगे उसका अमीटर कहाँ है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे A लिखा गया है जो कि अमीटर है। तो अमीटर का सप्लाई ये सिट्टी के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। तो अमीटर का सप्लाई होगा, ये मेनली मीटरिंग के लिए यूज हुआ है। तो अगला पार्ट है दोस्तों उसका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी उसका रिले। तो रिले देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओवर करेंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले एंड शॉर्ट सर्किट, ये तीनों का प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो उसके साथ के साथ ये जो सिट्टी आप देख रहे हैं, सिट्टी से सप्लाई आया है, ठीक है।
ये तीनों सिटी हो गया यहाँ पे, ये सिटी से यहाँ पे सप्लाई आया है। तो मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन का सप्लाई कहाँ से आया है, कैसे आया है, आपको मालूम हो गया। तो अभी हम चलते हैं सेकेंड पेज की तरफ। उसका सेकेंड पेज यानी फर्स्ट पेज में हमने क्या देखा, पावर सर्किट एंड उसका मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन सर्किट देखे। तो सेकेंड पेज में हमको कंट्रोल सर्किट का ड्राइंग मिलेगा। तो कंट्रोल सर्किट में आपको सबसे पहले चेक करना है कंट्रोल सप्लाई कितना है। तो यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई कितना लिखा गया है दोस्तों, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई, चाहे एसी भी हो या बीसी भी हो, आप देखे होंगे ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल सप्लाई 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई है 110 वोल्ट डीसी। तो ये कहाँ से आया है, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, देखिए फ्रॉम LHS पैनल यानी लेफ्ट हैंड साइड पैनल से ये आया है, दूसरे पैनल से ये सप्लाई आया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। तो आया उसके बाद एक MCB यूज किया गया है और उसके बाद ये आया फ्यूज में सप्लाई आया। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव का दोनों अलग अलग फ्यूज यूज किया गया है। तो अभी ये कंट्रोल सर्किट में क्या क्या इक्विपमेंट है आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं सर्किट ब्रेकर एक अलग इक्विपमेंट है और उसका पैनल अलग इक्विपमेंट है। तो ये दोनों का जो कम्युनिकेशन किया जाता है, उसका जो वायरिंग का कनेक्शन किया जाता है, एक प्लग के थ्रू किया जाता है। जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में, मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था एक प्लग क्या यूज़ किया जाता है। जैसे आप घर में प्लग यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट रहता है, तो सिमिलरली ये प्लग में भी मेल एंड फीमेल पार्ट रहता है। तो ये जो प्लग है दोस्तों 24 पिन का प्लग था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो प्लग यूज हुआ है 24 पिन का प्लग है। तो प्लग का नंबर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दो टाइप का नंबर आपको दिखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 लिखा गया है, यहाँ पे 16 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नंबर लिखा गया है, ये है 5, उसके नीचे 1 लिखा गया है। तो 5 जो है दोस्तों ये जो पैनल का उसका जो टर्मिनल ब्लॉक है उसी का नंबर है, और यहाँ पे ये जो लिखा गया है 2 पिन का नंबर है, यानी प्लग का जो पिन है, जैसे मैंने बोला कि ये 24 पिन का प्लग था, तो पिन का नंबर है, यानी सर्किट ब्रेकर एंड पैनल के साथ जो कम्युनिकेशन किया जाएगा, जो कनेक्शन किया जाएगा, ये प्लग के थ्रू किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये एक बार आइडेंटिफाई करना है कि प्लग का कौन सा नंबर यूज किया गया है, उसका सिंबल कैसे यूज किया गया है, और जो TB का उसका सिंबल कैसे यूज किया गया है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर का इनसाइड में क्या क्या इक्विपमेंट रहता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जनरली सर्किट ब्रेकर का इनसाइड में आप देखेंगे वहाँ पे एक स्प्रिंग चार्जिंग मोटर रहेगा, उसके बाद क्लोजिंग कॉयल, ट्रिपिंग कॉयल, एंटी पंपिंग रिले, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये उसका TCS रिले यानी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। उसके अलावा भी प्रोटेक्शन रिले रहता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये है उसका प्रोटेक्शन रिले। तो सबसे पहले आपको एक बार ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे नीचे में भी लिखा गया है, क्लोजिंग कॉयल, एंटी पंपिंग रिले, ट्रिपिंग कॉयल, और ये जो लिखा गया है ये है उसका TCS रिले, और फाइनली ये जो रिले आप देख रहे हैं ये उसका प्रोटेक्शन रिले। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्प्रिंग चार्जिंग मोटर कैसे स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आप लोग सर्किट ब्रेकर को टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन पर रखेंगे तो तुरंत ही स्प्रिंग चार्जिंग मोटर स्टार्ट हो जाता है, आप देखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सप्लाई डायरेक्ट आ गया टर्मिनल नंबर 5, उसके बाद लिखा गया है एक नंबर पिन, यानी जो प्लग का पिन एक नंबर में पॉजिटिव सप्लाई आएगा, और नीचे साइड में यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा गया है, 2 नंबर में नेगेटिव सप्लाई जाएगा, और यहाँ पे बीच में एक चीज़ है लिखा गया है S03। तो S03 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए S03 लिखा गया है, S03 क्लोज्ड इन टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन, यानी जैसे ही आप लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को टेस्ट पोजीशन पे डालेंगे तो तुरंत ही एक लिमिट स्विच होगा वहाँ पे, जो कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एक लिमिट स्विच रहेगा, पोजीशन लिमिट स्विच, वो लिमिट स्विच एक्चुएट होगा, और ये वाला सप्लाई ये देखिए यहाँ से थ्रो हो के मोटर की तरफ जाएगा और मोटर तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये मोटर कैसे बंद होगा,
यहाँ पे देखिए दोस्तों एक लिखा गया है 3 और 4, तो 3 और 4 यानी वहाँ पे और एक लिमिट स्विच होगा मोटर के पास, जैसे ही स्प्रिंग फुल चार्ज हो जाएगा तो तुरंत ही वो लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा और फिर पावर सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, तो तुरंत ही मोटर जो चल रहा था मोटर बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से मोटर स्टार्ट होगा और फिर मोटर बंद होगा। उसके बाद समझते हैं ये क्लोज कैसे होगा। आपका तो स्प्रिंग चार्ज हो गया तो आप कैसे उसको क्लोज करेंगे, अपली क्लोज करेंगे, तो इलेक्ट्रिकली क्लोज करने के लिए एक TNC स्विच वहाँ पर रहेगा जो कि पैनल में मौजूद रहेगा। तो TNC स्विच को जैसे आप क्लोज की तरफ घुमाएंगे तो ये सप्लाई कहाँ आएगा, सबसे पहले 4K0 लिखा गया है। 4K0 यानी उसका जो प्रोटेक्शन रिले है, ये वाला जो रिले देख रहे हैं दोस्तों प्रोटेक्शन रिले, तो अगर प्रोटेक्शन हेल्दी है, कुछ भी ट्रिप नहीं हुआ है, तो ये कॉन्टैक्ट्स NC में रहेगा और सप्लाई आगे जाएगा। सप्लाई कहाँ तक आ जाएगा, आराम से आ जाएगा S03 तक आ जाएगा। तो यहाँ पे S03 क्या है, S03 यानी क्लोज्ड इन टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन। सर्किट ब्रेकर को आप तभी क्लोज कर सकते हैं जब ये टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन पे हो। तो जैसे ये टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन में आ जाएगा तो ये लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा, फिर सप्लाई और आगे चला आएगा, यहाँ तक सप्लाई चला आएगा और फिर ये डायरेक्ट क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा और तुरंत ही सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा उसी के साथ साथ ये जो देख रहे हैं दोस्तों K1 रिले लिखा गया है, एंटी पंपिंग रिले, तो एंटी पंपिंग रिले ऑपरेट हो जाएगा, यानी ये K1 को सप्लाई मिल जाएगा। K1 है एंटी पंपिंग रिले। एक बार VCB क्लोज हो गया मतलब एंटी पंपिंग रिले को सप्लाई मिल जाएगा। तो एंटी पंपिंग रिले का यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स यूज किया गया है और तुरंत ही वहाँ पे वो जो NC कॉन्टैक्ट था वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग जितना बार TNC स्विच को क्लोज की तरफ घुमाएंगे सप्लाई यहाँ ब्रेक हो जाएगा, सप्लाई यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन में सप्लाई बंद हो जाएगा, सप्लाई क्लोजिंग कॉइल की तरफ नहीं जाएगा। तो किट ब्रेकर क्लोज हो गया मतलब क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई नहीं जाएगा, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये एंटी पंपिंग रिले का यूज किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों क्लोजिंग कॉइल। तो देखिए क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई कैसे जाएगा, ये ड्राइंग से हमको क्या पता चल रहा है, ड्राइंग से पता चल रहा है कि सर्किट ब्रेकर टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन पर रहेगा और आपका स्प्रिंग फुल चार्ज रहेगा। तो ये दो कंडीशन में आप लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं। अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं होगा या टेस्ट या सर्विस पोजीशन पर नहीं होगा तो सर्किट ब्रेकर को आप क्लोज नहीं कर सकते। सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ब्रेकर का स्प्रिंग फुल चार्ज होना चाहिए और टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन पे होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे ये है उसका ट्रिपिंग कॉइल। तो ट्रिप कैसे होगा, सर्किट ब्रेकर कैसे ट्रिप होगा, जाहिर सी बात है आप TNC स्विच के थ्रू इसको ट्रिप करवा सकते हैं, नहीं तो कोई फॉल्ट कंडीशन में ये प्रोटेक्शन रिले के थ्रू ट्रिप होगा। तो यहाँ पर देखिए यह है उसका TNC स्विच। तो TNC स्विच को अगर आप ट्रिप की तरफ घुमाएंगे तो सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से आके और ट्रिपिंग कॉइल सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। तो इसके बीच में S1 एक पॉइंट है। तो S1 क्या है दोस्तों, S1 है ब्रेकर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। ब्रेकर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स यानी ब्रेकर ऑन ऑफ जैसे ही होगा ये कॉन्टैक्ट्स उसी के हिसाब से चेंज ओवर होगा। तो जनरली ऑफ कंडीशन में ये ओपन कंडीशन में रहेगा, एक बार सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाए तो जो S1 कॉन्टैक्ट्स आप देख रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट्स पॉइंट ये क्लोज हो जाएगा, यानी ये हमेशा क्लोज कंडीशन में NC कंडीशन में रहेगा। तो जैसे ही आप लोग TNC स्विच को ट्रिप की तरफ घुमाएंगे तो सप्लाई डायरेक्ट आके ट्रिपिंग कॉइल में जाएगा और ट्रिपिंग कॉइल ऑपरेट होगा, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा, उसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट कर देगा। तो ये हो गया आपका TNC स्विच के थ्रू ट्रिपिंग। तो फॉल्ट कंडीशन में कैसे ट्रिपिंग होगा, फॉल्ट कंडीशन में ट्रिप होने के लिए ये जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 4K0 जो है प्रोटेक्शन रिले है, फॉल्ट कंडीशन है तो सबसे पहले रिले उसको सेंस करेगा और रिले ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, तो उसके हिसाब से ये ट्रिपिंग कॉइल में सप्लाई आएगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो उसके बाद समझते हैं दोस्तों ये वाला जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, ये है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। तो
तो मान लीजिए आप सर्किट ब्रेकर को TNC स्विच के थ्रू ट्रिप कमांड भेजे, सप्लाई यहाँ तक आ गया लेकिन फिर भी ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका एक रीज़न हो सकता है, ये जो ट्रिपिंग कॉयल आप देख रहे हैं, ट्रिपिंग कॉयल ओपन हो गया होगा या ट्रिपिंग कॉयल ख़राब हो गया होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ट्रिपिंग कॉयल का हेल्दीनेस। ट्रिपिंग कॉयल हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो आप ट्रिप कमांड जनरेट कर रहे होंगे, TNC स्विच के थ्रू ट्रिप कर रहे होंगे लेकिन ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। तो इसी का हेल्दीनेस को देखने के लिए ये TNC रिले यूज किया जाता है, जो कि हमेशा देखता रहता है कि कॉयल हेल्दी है कि नहीं। तो ये कैसे मेज़र करता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सप्लाई यहाँ तक आ गया, नेगेटिव यहाँ से आ गया, यहाँ से ये जाके ट्रिपिंग कॉयल का हमेशा एक नेगेटिव सप्लाई मिलता रहेगा और ऊपर से भी पॉजिटिव सप्लाई मिलता रहेगा, यानी ट्रिप सर्किट रिले हमेशा ये ट्रिप कॉयल का हेल्दीनेस को चेक करता रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो जैसे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले ऑपरेट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपिंग कॉयल हेल्दी नहीं है, वहाँ पे एक इंडिकेशन जनरेट करेगा, वहाँ पे पैनल में एक इंडिकेशन लैंप होगा, ट्रिप कॉयल हेल्दी बोल के एक इंडिकेशन लैंप वहाँ पे होगा जो कि ऑफ हो जाएगा, हमेशा वो ग्लो करता रहेगा। अगर ट्रिप कॉयल हेल्दी है तो हमेशा वो ग्लो करता रहेगा, अगर ट्रिप कॉयल ओपन हो जाए तो तुरंत ही TCS रिले ऑपरेट होगा और इंडिकेशन लैंप जो ग्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये ट्रिपिंग कॉयल हेल्दी नहीं है। और लास्ट में ये जो दिया गया है ये है प्रोटेक्शन रिले, तो कुछ भी फॉल्ट कंडीशन में ये प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट होगा और आपका ट्रिपिंग कॉयल को सप्लाई भेजेगा। उसका कॉन्टैक्ट्स दोनों जगह पे यूज किया गया है, एक देखिए यहाँ पे क्लोजिंग में यूज किया गया है और यहाँ पे देखिए ट्रिप के लिए यूज किया गया है। तो अगर रिले हेल्दी है तो आप लोग क्लोज कर सकते हैं, ट्रिप कंडीशन में होगा तो आप लोग क्लोज नहीं कर सकते। तो ये है दोस्तों ड्राइंग का थर्ड पेज, लास्ट पेज। तो लास्ट पेज में यहाँ पे ट्रिप एंड इंडिकेशन सर्किट, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये वाला जो इंडिकेशन है ट्रिप इंडिकेशन, फॉल्ट कंडीशन में ये ग्लो करेगा, उसके बाद ऑन इंडिकेशन और उसके साइड में ये है ऑफ इंडिकेशन, उसके साइड में स्प्रिंग चार्ज के लिए एक इंडिकेशन लैंप लगाया जाता है, उसके साइड में सर्विस पोजीशन का एक इंडिकेशन लैंप और यहाँ पे ट्रिप सर्किट हेल्दी, जो मैंने बोला कि ट्रिप सर्किट हेल्दी ये हमेशा ग्लो करता रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 5K0 लिखा गया है, ट्रिप सर्किट हेल्दी रिले का एक NO कॉन्टैक्ट यूज किया गया है जो कि हमेशा NC कंडीशन में रहेगा। ट्रिप कॉयल हेल्दी है तो 5K0 हमेशा ऑपरेट होके रहेगा और ये इंडिकेशन लैंप यहाँ पे ग्लो करेगा TCS रिले का। तो ये ट्रिप लैंप कब ग्लो करेगा? जब ये 4K0 ऑपरेट हो गया, यानी प्रोटेक्शन रिले जब ऑपरेट करेगा उसी कंडीशन में ये ट्रिप इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा, जो कि वहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों इसका ये देखिए, और यहाँ पे दो पॉइंट है, यानी जो 18 लिखा गया है वो हमारा पैनल का TV नंबर है और जो 8 लिखा गया है वो प्लग का पिन का नंबर है, और ये जो S1 आप देख रहे हैं ब्रेकर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ऑन इंडिकेशन, तो सिंपल सा बात है, जब ब्रेकर क्लोज होगा तो उसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होगा, S1 कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा, जो NO था NC हो जाएगा और यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा, इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। और उसी के साथ एक 3K0 लगाया गया है जो कि एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से, तो मान लीजिए हम लोग रिमोट इंडिकेशन चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट पॉइंट से हम लोग रिमोट रॉन इंडिकेशन ले सकते हैं। और उसके बाद ऑफ इंडिकेशन जो कि हमेशा ऑफ कंडीशन में ग्लो करेगा, एक बार सर्किट ब्रेकर क्लोज हो गया तो ये ऑफ हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज, जो मैंने बोला यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों S4 स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच, ये लिमिट स्विच एक बार स्प्रिंग चार्ज हो गया तो ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा और ये लैंप ग्लो करेगा। और सिमिलरली यहाँ पे S04 और एक लिमिट स्विच है, जब सर्किट ब्रेकर टेस्ट एंड सर्विस पोजीशन पे जाएगा तो ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा और ये लैंप यहाँ पे ग्लो करेगा।
तो यहाँ पे ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये उसका स्पेस हीटर है। तो स्पेस हीटर कब ऑन होगा? जब हम ब्रेकर को ऑफ कंडीशन में रखेंगे। ऑफ कंडीशन में ही स्पेस हीटर काम करता है, ऑन कंडीशन में स्पेस हीटर काम नहीं करता है। तो स्पेस हीटर का सप्लाई दिया गया है 230 वोल्ट एसी सप्लाई। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।